जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। एमआई रोड पर गोपाल टावर में लाखों रुपए की लूट हुई है। करीब 75 लाख रुपए लूटकर कार सवार बदमाश भाग गए। जयपुर शहर में करवाई गई है ए श्रेणी की नाकाबंदी। विधायकपुरी थाना इलाके में हुई है 75 लाख रुपए की लूट। डीसीपी दिगंत आनंद सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और किस तरीके से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और इसके साथ साथ हम मानकर चल रहे हैं कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा होगा जिसके जरिए गाड़ी के नंबर को ट्रैक किया जा सके, ट्रेस किया जा सके और इन लुटेरों तक पहुंचा जा सके। मेरे सहयोगी और स्पेशल सीनियर रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्योंकि ए श्रेणी की सुरक्षा की गई है और उसका मतलब ये कि लुटेरे भाग नहीं सकते, तो जरा ये बताइए क्या अभी तक गाड़ी को और गाड़ी के नंबर को ट्रैक किया गया? देखिए, अभी तक गाड़ी का नंबर ट्रेस नहीं हो पाया है, लेकिन सामने आया कि 4 से 5 जो मतलब संख्या जो बदमाश थी वो 4 से 5 थी और एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठा था। 4 व्यक्ति गाड़ी से उतरते हैं, हथियार दिखाने के बाद में जो व्यापारी है उससे 75 लाख रुपए बढ़ा बैग छीनकर मुखे से फरार हो जाते हैं। हालांकि इस घटना के महज 4 मिनट बाद में पुलिस मुखे पहुंच गई और सूचना मिलने के साथ ही कंट्रोल रूम ने पूरे जयपुर शहर के अंदर एक श्रेणी की नाकाबंदी करवा दी और यही कारण है कि नाकाबंदी के कारण पूरे जयपुर शहर में एक जाम की हालत हो गई है। और मैं बताना चाहूंगा आपकी 3 टीमें इसके लिए बनाई गई है। एक टीम को लगाया गया है तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए, दूसरी टीम को लगाया गया है गाड़ियों की चेकिंग करने के लिए, तीसरी टीम को लगाया गया है तकनीकी सहायता लेने के लिए जिससे कि जो बदमाश है उनको जयपुर से बाहर जाने से रोका जा सके, उनको गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि पुलिस मान रही है कि घटना को अंजाम देने से पहले जो बदमाशों ने पहले रेकी की है और रेकी देने के पश्चात इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि व्यापारी के पास इतनी बड़ी संख्या में पैसा होगा। तो ऐसे में कोई जानकार होना लेकिन इससे इतर एक और सवाल, इसकी संभावना कितनी हो सकती है जिन्होंने इतने शातिर अंदाज में इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया, क्या चोरी की गाड़ी इस्तेमाल हो सकती है? चोरी गाड़ी का इस्तेमाल भी हो सकता है, गाड़ी नंबर पुलिस पास ना हो सकी और उसका नंबर प्लेट ना लगाई गई हो, लेकिन बड़ी बात यह कोई जानकार है जिसने यह बताया है कि व्यापारी के पास इतने पैसे 75 लाख बराबर बैग व्यापारी के पास है, तो बिना जानकारी के लुटेरे किसी व्यक्ति को लूट नहीं सकते। तो इसमें 100% रेकी गई है और रेकी किसी जानकारी से त्रुटी गई है, तो पुलिस मान रही की हाँ हम आरोपी तक पहुंच जाएंगे, बच्चों तक पहुंच जाएंगे, थोड़ा समय जरूर लगेगा। इसमें टीम अपना काम कर रही है, खुद पुलिस कमिश्नर बिजू जो पड़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिससे कि बदमाश व्यापारी के बयान दोबारा प्रतिबद्ध किया जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बड़ी बात अपने आप में, तो ऐसे में उससे दोबारा बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बिल्कुल सत्रह, लेकिन जिस इलाके के अंदर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया मानकर चले उसके आसपास तो ना जाने कितने सीसीटीवी फुटेज होंगे? देखिए, शहर के बीचों बीच शहर के बिल्कुल मध्य एमआई रोड है जो शहर का पॉश इलाका है, मुख्य व्यापारी यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े शोरूम है, एक नहीं बल्कि 100 नहीं बल्कि 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे यहाँ मौजूद होंगे, साथ साथ पुलिस के जो अपर कमांड कैमरे हैं वो भी यहाँ मौजूद है। तो कुछ जो बदमाश है बच नहीं सकते वो ये भी जानते हो, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देखिए मुख्य एमआई रोड से भागना भी अपने आप में काफी बड़ी बात है, तो ऐसे में पुलिस मान लेगी वो आरोपी तक पहुंच जाएगी, लेकिन थोड़ा समय जरूर लग सकता है। हालांकि हर गाड़ी को चेक करने के बाद पास किया जा रहा है, हर चौराहे पर नाकाबंदी है जयपुर शहर के अंदर, जयपुर शहर के बाहर जाने वाले जो रास्ते हैं उनको भी ब्लॉक किया गया है, उनको भी बिना चेकिंग के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। अच्छा, तो क्योंकि आपने कहा कि भाई ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई और साथ में आपने कहा कि हथियार के नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, तो मानकर चले कि पुलिस ने हथियार बंद जवानों को ही लगाया कि अगर ऐसी स्थिति बने तो कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल, देखिए श्रेणी नाकाबंदी के तमाम थाना अधिकारी को अपने अपने इलाके में हथियारों के साथ लेस रहकर नाकाबंदी करने के आदेश दिए गए हैं, तो सभी जो पुलिस अधिकारी है पुलिसकर्मी है हथियारों के साथ लेस है, नाकाबंदी हट गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति बन सकती है जब तक कि पुलिस पर हमला कर सकते हैं जो बदमाश है, तो ऐसे में हथियारों के साथ रहकर ये नाकाबंदी की गई है और जयपुर शहर के अंदर कड़ी नाकाबंदी की गई है, जयपुर से बाहर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक किया गया है और कोशिश की जा रही है सीसीटीवी फुटेज कैमरे की फुटेज संभालने की, वो काफी अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन यह भी हो सकता है विजेंद्र कि व्यापारी कुछ संदिग्ध बयान दे सकता हो, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो पैसा है वो व्यापारी कहां लेके जा रहा था, तो एक टीम उससे पूछताछ कर रही है कि इतना पैसा वो लेकर कहां जा रहा था। ठीक है सत्रह, लेकिन ये दूसरा पहलू है, मेरा एक और सवाल है कि भाई हमने अमूमन उन कंट्रोल रूम का जायजा लिया जहां से पूरे शहर पर थर्ड आई नजर रखती है, तो भाई थर्ड आई अगर पूरे शहर पर नजर रखती है तो बहुत आसानी से रिवाइंड करके पता लगाया जा सकता है कि गाड़ी किस दिशा के अंदर गई, कैसे गई, किस रेल पर रुकी, वहां तो सब जगह सीसीटीवी फुटेज है ना?
बिल्कुल विनोद, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि घटना अभी हुई है, महज कुछ समय पहले घटना हुई है, तो ऐसे में पुलिस को लेकर समय देना जरूरी होगा। पुलिस के अधिकारी अलग अलग टीमों बटे हुए हैं, कोई अपर कमांड में बैठकर फुटेज चेक कर रहा है, कोई गाड़ी की पिक्चर, कोई गाड़ी की चेकिंग कर रहा है, तो ऐसे में टीमों को अलग अलग बांटा गया है, जिससे कि पूरा काम नियमित रूप से हो सके। और इसी कह रहे कि थोड़ा समय दीजिए, हम इस वादा का पर्दाफाश कर देंगे, हमने बात करने का प्रयास भी किया अधिकारियों का, साफ करना है कि थोड़ी देर रुकी है, थोड़ी देर पूरा मामला इस पर हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह ये घटना हुई है वहाँ एक नहीं, सौ नहीं, बल्कि 1000 से अधिक कैमरे मौजूद हैं। और इसीलिए अब माना जा रहा है कि थोड़ी देर पश्चात सूचना आएगी हमारे पास कि हाँ ये घटना ये थी, इस घटना को इस प्रकार से सुलझा लिया गया। सदरान लीड कौन कर रहा है इस ऑपरेशन को? देखिए खुद दिगत आनंद डीसीपी साउथ इस ऑपरेशन को है, लेकिन एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई भी मौके पर पहुंच चुके हैं और वो भी लगातार एयरपाल की मॉनिटरिंग ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर शहर के अंदर घटना हुई तो पुलिस दो तरफ की मॉनिटरिंग के अंदर तमाम ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बाकी सत्य का पता लगाया जा रहा है, और साथ साथ अगर कुछ सफलता मिलती है तो लगता है कि जल्द ही सफलता मिल जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से MI रोड पर घटना हुई है और MI रोड से बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है, और ये ऑफिशियल टाइम है, तो ऑफिस होने के बाद मैं वही कह रहा था कि भाई इस वक्त जयपुर के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए 2 घंटे चाहिए, और जिस MI रोड पर यह वारदात घटी है वहां तो आपको 500 मीटर चलने के लिए 20 मिनट चाहिए। और अच्छी बात, राहत की बात हम यह कह सकते हैं कि गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, अगर लूट में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल होता तो बचकर निकलने की बहुत संभावना होती। बिल्कुल, क्योंकि MI रोड पर घटना होना अपने आप में ये भी दर्शाता है कि MI रोड पर हमेशा वन वे ट्रैफिक रहता है, और अगर बदमाशों को भागना होगा तो वो केवल ईस्ट साइड में भागेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट नगर साइड में भागेंगे, तो ऐसे में उधर के तमाम रास्ते ब्लॉक किए गए हैं, तमाम थानाधिकारियों को अपने अपने इलाकों में मुख्य मार्गों पर जो है नाकाबंदी करने के लिए कहा गया है। खुद पुलिस के आला अधिकारी पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, लेकिन जयपुर शहर के अंदर इतनी बड़ी बात है तो भी जयपुर शहर के बीचों बीच ये शायद जयपुर शहर के अंदर पहली बार हुई है, और जैसा कि हम देखते हैं कि पुलिस को समय जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि घटना हुई है लेकिन बिना रेकी के, बिना भेद के खोले ये घटना नहीं सकती, ऐसे में किसी जानकार का हाथ भी इसमें होने की संभावना जताई जा रही है, तो ऐसे में व्यापारी से पूछताछ की जा रही है कि उसके संस्थान में कौन कौन काम करता है, कौन कौन। बिल्कुल सदरान, जरा यही बताइए कि भाई व्यापारी काम क्या करता है, कहीं कोई फाइनेंस का ऑफिस तो नहीं है? देखिए सुरक्षा के दृष्टि से अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई कि व्यापारी क्या काम करता है, क्योंकि घटना के बाद से पुलिस के अधिकारी उसको अंदर ले जाकर उसे पूछताछ करने में जुटे हुए हैं, तो ऐसे में व्यापारी के काम की जिसके पास 70 लाख रुपए है तो कोई बड़ा ही काम शायद वो व्यापारी करता है, बड़ा ही व्यापारी हो गया, तो प्रॉपर्टी व्यवसायी है या फिर कोई फाइनेंस व्यापारी है, तो ऐसे में पूछताछ उनसे उससे की जा रही है, और साथ साथ इस बात का पता लगाया जा रहा है कि गाड़ी कौन से तरह की थी, क्योंकि इसकी घटना होती तो व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति होता है वो गाड़ी का नंबर नहीं देख पाता, तो ऐसे में कलर स्पेसिफाई किया जा रहा है, कलर कौन सा था, तो बताया कि व्हाइट रंग की कार थी, तो ऐसे में व्हाइट रंग की कार के आधार पर जयपुर शहर के अंदर नाकाबंदी करवाने के पश्चात। ठीक है सदरान, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो जल्द इनको पकड़ लेगी।